वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम जैन तत्व विद्या के अंतर्गत जो दूसरा वर्ग है उसका हम पांचवा बोल करेंगे। तो पांचवें बोल के अंतर्गत इंद्रियों के 23 विषय की चर्चा है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इंद्रियों के 23 विषय, 23 विषय। तो अब सबसे पहले है इंद्रिय क्या है। इंद्रिय क्या है? ज्ञान करने के साधने, यानी इंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान कर सकते हैं। जो पांच इंद्रिय हैं उनके द्वारा हम ज्ञान कर सकते हैं, और इनके द्वारा जो भी हम वस्तु को, पदार्थ को, जो भी हम ग्रहण करते हैं वो विषय कहलाते हैं। इंद्रियों के द्वारा हमने रूप को भी ग्रहण किया, गंध को, शब्द को, जो भी हम ग्रहण करते हैं, जो भी विषय को, पदार्थ को, जो भी हम ग्रहण करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? विषय कहलाते हैं। यानी इंद्रियां क्या है? ज्ञान करने का साधन है, और इनके माध्यम से जो भी हम पदार्थ को, वस्तु को ग्रहण करते हैं उसे विषय कहते हैं। तो इंद्रियों के कितने विषय हैं? 23 विषय हैं। अब पांच इंद्रियां हैं। तो सबसे पहले इंद्रिय है श्रोतेन्द्रिय, दूसरी है चक्षुरेन्द्रिय, तीसरी है घ्राणेन्द्रिय, चौथी है रसनेन्द्रिय, पांचवी है स्पर्शेन्द्रिय। पांच इंद्रियों के नाम याद करेंगे, श्रोतेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेन्द्रिय। जो पांच इंद्रियां हैं उनके विषय भी पांच हैं। तो सबसे पहला है शब्द, दूसरा है रूप, तीसरा है गंध, चौथा है रस, पांचवा है स्पर्श। तो श्रोतेन्द्रिय है उनका विषय है शब्द, चक्षुरेन्द्रिय है उनका विषय है रूप, और घ्राणेन्द्रिय है उनका विषय है गंध, रसनेन्द्रिय इनका विषय रस यानी टेस्ट, स्पर्शेन्द्रिय इनका विषय स्पर्श यानी टच। ये पांच इंद्रिय हैं, उनके पांच ये जो विषय बताए हैं। तो टोटल हम करेंगे, पांच इंद्रियों के काउंट करेंगे तब 23 विषय बन जाएंगे। तो सबसे पहला है श्रोतेन्द्रिय। तो श्रोतेन्द्रिय का विषय क्या है? शब्द है। अब प्रश्न है शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द बोला जाता है, जो हम बोलते हैं वो शब्द कहलाता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तभी साउंड निकलती है, शब्द निकलता है। अगर हम नहीं बोलते हैं तो शब्द नहीं निकलता है। और जो जीव के द्वारा बोला जाता है वो जीव शब्द कहलाता है। यानी शब्द का मतलब होता है जो बोला जाता है, जो ध्वनित होता है, यानी जिसमें से साउंड निकलती है वह शब्द कहलाता है। तो शब्द कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार के होते हैं शब्द। कौन कौन से होते हैं? जीव शब्द फर्स्ट, सेकेंड अजीव शब्द, तीसरा है मिश्र शब्द। अब जीव शब्द किसे कहते हैं? जो जीव के द्वारा जो बोला जाता है वो जीव शब्द कहलाता है। आप देख रहे हैं ये जो बोल रहा है, ये जीव के द्वारा जो बोला जाता है जीव शब्द कहलाता है। तो जो शब्द है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? तो जो संस्कृत ग्रामर है कालू कौमुदी, तो उसमें लिखा है अष्टौ स्थानानि वर्णाना मूरः कंठः शिरः तथा जिह्वा मूलं च दन्ताश्च नासि पौष्टौ च तालु च। वर्णों के आठ स्थान है। कौन कौन से? कंठ सबसे पहला है, कंठ यानी थ्रोट हमारा गला, कंठ से शब्द उत्पन्न होता है। दूसरा सिर, सिर से उत्पन्न होता है। तीसरा है जिह्वा मूल, जिह्वा मूल का मतलब होता है तालु, जीभ का अग्रभाग, दंत यानी दांत, नासिका और तालु, ये टोटल मिलाकर के आठ स्थान है। यहाँ से शब्द की उत्पत्ति होती है। अगर ये स्थान न हो तो शब्द की उत्पत्ति भी नहीं होती है। देवता बोल नहीं सकते हैं क्योंकि देवता के वोकल कार्ड नहीं होता है, स्वर यंत्र नहीं होता है, इसलिए देवता बोल नहीं सकते हैं। दूसरों के माध्यम से बोल सकते हैं लेकिन स्वयं नहीं बोल सकते हैं, इसलिए देवता के भाषा समिति नहीं होती है। देवता के पांच ही समिति पाई जाती है क्योंकि देवता शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो जीव शब्द यानी जीव के द्वारा जो बोला जाता है वो जीव शब्द कहलाता है। और शब्द उत्पन्न होने के आठ स्थान है, कंठ, शीर, जिह्वा मूल, जिह्वा मूल एक है, दंता यानी दांत, नासिका, ओष्ठ यानी होठ और तालु, ये आठ स्थान है शब्द के उत्पन्न होने के, वर्णों के उत्पन्न होने के। तो जीव शब्द आपको समझ में आ गया कि जो जीव के द्वारा बोला जाता है वो जीव शब्द कहलाता है, और जीव शब्द कैसे उत्पन्न होता है, उसके उत्पन्न होने के आठ स्थान है।
दूसरा शब्द है जीव का जो शब्द के जो है वो दूसरा है अजीव शब्द। शब्द तीन प्रकार का बताया था, जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द। तो दूसरा है अजीव शब्द। अजीव शब्द है वो कैसे उत्पन्न होता है, तो जीव शब्द था वो तो जीव के द्वारा उत्पन्न होता था, लेकिन अजीव शब्द है वो कैसे उत्पन्न होता है, तो पुद्गलों के संघर्षण से जो ध्वनि होती है, यानी जैसे कोई पुद्गल मिले उनका जब संघर्षण होता है यानी घर्षण होता है, परस्पर में टकराव होता है, तब क्या है अजीव शब्द की उत्पत्ति होती है। जैसे आप देख रहे हैं बाजे देख रहे हैं, वीणा देख रहे हैं, सितार देख रहे हैं, उन उनमें से क्या होती है ध्वनि, और जब संघर्षण होता है किसी चीज का, इसके ऊपर डंडे से लगाए या मतलब कोई ना कोई चीज का संघर्षण होता है, तबले को बजाते हैं, डंडे से बजाते हैं या कोई भी तबले बजाते हैं, तो उसमें क्या है पुद्गल की ध्वनि निकलती है। तो पुद्गल की जो ध्वनि निकलती है, साउंड निकलती है, वो अजीव होती है, क्योंकि अजीव है वो साउंड कर रहा है, इसमें जीव साउंड नहीं कर रहा है। उसमें आपने देखा था जीव शब्द में जैसे मनुष्य था वो बोल रहा था, लेकिन अजीव शब्द में क्या है अजीव के माध्यम से जो भी साउंड आती है वो क्या कहलाती है, बाजे की हो चाहे वीणा की हो चाहे सितार की हो, वो अजीव शब्द कहलाता है। नेक्स्ट है मिश्र शब्द। तो मिश्र शब्द कैसे होता है, जब जीव और अजीव, सचित अचित का मतलब है सचित यानी जीव, अचित यानी अजीव, जो जीव और अजीव का योग मिलता है तब जो शब्द निकलता है वो मिश्र शब्द कहलाता है। आप देख रहे हैं एक लेडी है वो बांसुरी बजा रही है, तो लेडी क्या है बांसुरी बजा रही है, तो बांसुरी के माध्यम से भी आवाज आ रही है, वो कैसे जीव और अजीव दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो जीव है लेडी और बांसुरी है वो अजीव है, तो जीव और अजीव दोनों के संयोग से जो शब्द होता है वो मिश्र शब्द कहलाता है। नेक्स्ट है शब्द है वो दो प्रकार का होता है, मनोज्ञ शब्द और अमनोज्ञ शब्द। मनोज्ञ का मतलब होता है जो मन को अच्छा लगता है, जो मन को पसंद है वो मनोज्ञ शब्द कहलाता है। जो हमें मन को अच्छा लगता है ऐसे शब्द हम प्रिय जो होते हैं उनको जब हम सुनते हैं हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगने से क्या होता है उसके प्रति या तो राग होगा अटैचमेंट होगा या द्वेष होगा डिटैचमेंट होगा। तो जब हम राग करते हैं तो उससे क्या होता है कर्म का बंध होता है। कभी कभी इतने अच्छे स्वर सुनाई देते, अच्छे गीत सुनाई देते तो लगता है हाँ सुनते ही रहे सुनते ही रहे, तो अगर हमारा ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है तो वो कर्म बंध का कारण बन जाता है। अमनोज्ञ शब्द जो द्वेष का हेतु बनता है, यानी किसी के ऐसे कर्कश शब्द है जो मन को पसंद नहीं है, ऐसे शब्द जब हम सुनते हैं तब क्या है हमारा उसके प्रति द्वेष होता है। अरे ये कैसे शब्द का प्रयोग कर रहा है, उसको बोलना भी नहीं आता है, तमीज भी नहीं है, हम अपने आप में ऐसे हो जाते हैं, तो अपने आप क्या होता है उसके प्रति द्वेष की भावना जागृत होती है। द्वेष क्या है कर्म बंध का कारण बनता है। तो उत्तरायण सूत्र का जो 32वां अध्याय है उसमें बताया है भगवान महावीर स्वामी ने कि जो मनोज्ञ शब्द है उसमें आसक्त कौन होता है, उसमें अटैच कौन होता है, जो हरिण होता है। हरिण होता है वो गीत सुनने का बड़ा शौकीन होता है, बांसुरी बजती है उसका वो शौकीन होता है, जो मीठे मीठे स्वर होते हैं गीत के उनके सुनने का वो आदि होता है, शौकीन होता है। तो जिसके कारण क्या है अगर हरिण को पकड़ना होता है तो दूसरे लोग क्या करते हैं ऐसे गीत की साउंड छोड़ते हैं, गीत की ध्वनि छोड़ते हैं, तो गीत में वो इतना मुग्ध हो जाता है, उन शब्दों में इतना आसक्त हो जाता है, जिसके कारण अकाल में ही हरिण का विनाश हो जाता है, क्योंकि उसको पकड़ करके ले जाते हैं फिर उनको मार देते हैं। एक शब्द में आसक्त हुआ हरिण उसकी भी क्या दुर्गति हो जाती है, यानी विनाश को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो शब्द का जो इंद्रियों के जो विषय है एक एक विषय में भी अगर हम आसक्त होते हैं वो भी हमारे लिए कितने खतरनाक होते हैं वो हमें प्रेरणा लेना है। और जो ये शब्द हम सुनते हैं वो कितने दूर तक हम सुन सकते हैं, कहा गया जो भी हम शब्द सुनते हैं वो 12 योजन दूर तक भी हम सुन सकते हैं, 12 योजन दूर तक। कहा जाता है प्रज्ञापना सूत्र का जो दूसरा भाग है उसका चैप्टर नंबर 15 है, सूत्र 41 है, उसमें भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, क्योंकि गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा था भंते जो भी शब्द होता है वो शब्द हम कितने योजन तक सुन सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कहा गौतम जो भी शब्द होते हैं उसको हम 12 योजन तक सुन सकते हैं। तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया है भरत चक्रवर्ती का, भरत चक्रवर्ती थे, उनकी आयुधशाला में
एक विजय नाम की वीणा थी, विजय विजय नाम की वीणा थी, भेरी, विजय नाम की जो भेरी थी, तो वो भेरी क्या है, वो बजती थी आयुधशाला में, और जो अयोध्या नगरी थी वो 12 योजन तक में थी, पूरी अयोध्या नगरी 12 योजन में बसी हुई थी। तो जब जब विजय नाम की जो भेरी थी उसको बजाया जाता था, तो पूरी नगरी में जितने भी लोग होते थे, पीपल होते थे, वो सब के सब भेरी की आवाज को सुनते थे। तो विजय किसी की होती थी, या जब जब कोई ऐसा प्रसंग आता था, उस भेरी को बजाया जाता था, उसकी साउंड 12 योजन तक जाती थी दूर, मतलब वहां तक जो भी लोग होते थे सब के सब उनकी आवाज को, भेरी की आवाज को सुनते थे। अगर कोई यंत्र का माध्यम मिल जाए तो हम हजारों मील तक भी सुन सकते, जैसे आप मोबाइल से सुनते हैं, अभी जैसे आप जूम से आप सुन रहे हैं, तो जूम का माध्यम मिल गया, इंटरनेट का माध्यम मिल गया, या मोबाइल का माध्यम मिल जाता है, तो हम हजारों लाखों योजन तक भी सुन सकते हैं शब्द। जैसे मैं तो यहाँ मायामी में बैठी हूँ, अमेरिका, मायामी में, आप लोग भी अमेरिका में है, लेकिन कितने कितने दूर तक आप हैं, कोई 50 योजन दूर है, कोई 100 योजन दूर है, और जैसे सुनीता जी कैरोलिना कितने दूर बैठे हैं, वो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं। तो यंत्र का जब माध्यम मिल जाता है तो दूर दूर तक भी हम सुन सकते हैं, लेकिन बिना यंत्र के जब भेरी बजाई जाती है वो 12 योजन तक सुनाई देती है, ऐसा प्रज्ञापना सूत्र में उल्लेख मिलता है। दूसरा है चक्षुर इंद्रिय। पहली इंद्रिय थी श्रोतेन्द्रिय, उसका विषय था शब्द। दूसरी इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय का विषय क्या है, वर्ण यानी कलर। आप देख रहे हैं कलर, इसमें सिक्स दिखाई दे रहे, लेकिन कलर मेन देखे मूल कलर 5 ही होते हैं, 5 कलर के होते हैं, 5। फर्स्ट है व्हाइट, सेकंड ब्लैक, रेड, ये पिंक दिखाई दे, लेकिन रेड होता है, ब्लू और येलो, मूल 5 कलर होते हैं, बाद में कॉम्बिनेशन करने से कई कलर बन सकते हैं, लेकिन मूल में 5 ही कलर होते हैं, इसलिए जो चक्षु इंद्रिय है उसका विषय है वर्ण यानी कलर है, तो वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है जो चक्षु इंद्रिय है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, उनका जो वर्ण होता है, उनका जो रूप होता है, वो 2 प्रकार का होता है, मनोज्ञ रूप होता है, दूसरा अमनोज्ञ रूप होता है। मनोज्ञ जब रूप यानी अच्छा जब रूप हम देखते हैं, कोई सुंदर लेडी को देखते हैं, या सुंदर मैन को देखते हैं, या कोई ऐसी ब्यूटीफुल हम कोई वस्तु को देखते हैं, सुंदर सुंदर पेन, मोबाइल, जो भी आकर्षक हमें लगती है, ऐसे हम पदार्थ को देखते हैं, तब क्या होता है, हमारा उसके प्रति अटैचमेंट होता है, राग भाव होता है। अरे ये मोबाइल कितना सुंदर लगता है, अरे ये टीवी कितनी सुंदर लगती है, कितना अच्छा पिक्चर है इसका, ये फोटो कितना अच्छा है, वो हम आंखों के माध्यम से देखते हैं। तो जब हम अच्छा रूप देखते हैं, अच्छी वस्तु को देखते हैं, तब सहज ही हमारा उसके प्रति अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट होने से क्या होता है, कर्म का बंध होता है। जो जब हम हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है, आंखों को अच्छा नहीं लगता है, ऐसे रूप को देखते, ऐसी वस्तुओं को देखते हैं, तो क्या होता है, हमें उसके प्रति द्वेष आता है। तो द्वेष होने से भी कर्म का बंध होता है, अगर राग करते उससे भी कर्म का बंध होता है, तो द्वेष करते उससे भी कर्म का बंध होता है। तो जो मनोज्ञ रूप होता है उसमें आसक्त कौन होता है, उत्तराध्यान सूत्र का जो 32वां अध्याय है उसमें भगवान महर्षि कहते हैं, उसमें पतंगा, जब आप देखते हैं कभी कभी रात को लाइट जलाते हैं, इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे ही लाइट चालू करते हैं, अगर दरवाजे खिड़की सब खुली है, इतने सारे पतंगे कीड़े उसके लाइट के आगे आ जाते हैं, वो रूप के प्रति यानी लाइट के प्रति इतना अट्रैक्ट हो जाता है, और उस लाइट के पास चला जाता है, अचानक ही उसमें वो भस्म हो जाता है, यानी विनाश को प्राप्त हो जाता है। रूप में आसक्त होने से पतंगा का जो पतंग है वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। एक मात्र इंद्रिय का विषय जो रूप है उसमें भी आसक्त होने से व्यक्ति का विनाश हो सकता है। तीसरा इसके बाद है जो चक्षुर इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय यानी आंखों के माध्यम से हम कितना दूर तक देख सकते हैं। तो प्रज्ञापना सूत्र में भगवान महावीर स्वामी पूछते हैं कि भंते, हम चक्षु इंद्रिय से यानी आंखों से हम कितना दूर तक देख सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं 1 लाख योजन दूर तक हम देख सकते हैं अपनी आंखों के माध्यम से, यानी आंखों में इतनी ताकत होती है। आप देखते हैं चंद्र सूर्य कितना दूर होता है, फिर
भी हमें दिखाई देता है। जो ईगल नाम का जो बर्ड होता है उसकी आईस होती है बहुत ही पेनी होती है, बहुत ही वो शार्प होती है, वो दूर दूर तक कहाँ कहाँ मांस पड़ा हो तो उसको देख लेती है। जो चक्षु इंद्रिय भी है उसका जो रूप ग्रहण करने की जो क्षमता है वो है 1 लाख योजन दूर तक हम देख सकते हैं। तीसरा है घ्राणेन्द्रिय, तो घ्राणेन्द्रिय है उसका विषय गंध, श्रोतेन्द्रिय था उसका विषय था शब्द, चक्षु इंद्रिय था उसका विषय था वर्ण या रूप, और घ्राणेन्द्रिय है उसका विषय ही गंध। गंध भी 2 प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध, यानी स्मेल होती है वो 2 प्रकार की होती है, या तो अच्छी होगी या बुरी होगी, मनोज्ञ होगी अमनोज्ञ। मनोज्ञ का मतलब होता है जो मन को अच्छी लगती है उसे मनोज्ञ कहते हैं, अमनोज्ञ का मतलब है जो मन को अच्छी नहीं लगती है उसे अमनोज्ञ कहते हैं। तो मनोज्ञ गंध में आसक्त कौन होता है, भंवरा होता है। तो मनोज्ञ स्मेल किसकी आती है, अच्छी स्मेल किसकी आती है, फ्लावर्स होते हैं उसकी बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स है उसमें इतनी सुगंध अच्छी आती है। तो भंवरा क्या होता है, जो आप देख रहे हैं पिंक कलर का जो फ्लावर्स है उसमें वो क्या है घुस जाता है, उसमें वो उसकी सुगंध लेता है। तो भंवर जो फ्लावर्स जो भी होते हैं वो जब सनराइज होता है तब तो खिल जाते हैं, जैसे सनसेट होता है वो एकदम सिकुड़ जाते हैं। तो भंवरा क्या करता है, गुलाब पे बैठ जाता है, गुलाब का जो फ्लावर्स होता है पिंक फ्लावर उसमें वो क्या है बैठता है, सुगंध लेता है। वो सोचता है थोड़ी देर और ले लेता हूँ, थोड़ी देर और ले लेता हूँ, ऐसे सोचते सोचते क्या होता है अचानक सनसेट हो जाता है। सनसेट होने से वो पिंक फ्लावर था वो एकदम बंद हो जाता है, हमरा भी उसमें बंद हो जाता है। अचानक क्या होता है, हाथी आता है उस फ्लावर को खा जाता है, भंवरे की भी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। केवल गंध में आसक्त हुआ भंवरा, तो गंध में आसक्त होने से भंवरे की अचानक ही अकाल में ही बिना समय में ही मृत्यु हो गई। एक वस्तु में भी आसक्त होने से भी क्या है व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और जो दुर्गंध है वो अच्छी नहीं लगती, जो डस्टबिन है जो कचरे से भरा हुआ आप देख रहे हैं, तो डस्टबिन होता है तो व्यक्ति क्या है उसके पास नहीं खड़ा रहता है, या कपड़ा बांध लेता है। आजकल तो कोरोना चल रहा है सभी मास्क बांध के रखते हैं, मास्क है इसलिए उसको कपड़ा रखने की जरूरत नहीं, लेकिन जब मास्क नहीं था उस समय क्या कर रहे थे, जैसे ही हम कचरा देखते थे नाक को ऐसे बंद कर लेते थे क्योंकि बदबू हमें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जो गुड स्मेल होती है अच्छी स्मेल होती है वो सबको अच्छी लगती है। जो फ्लावर्स होते हैं उनकी अच्छी स्मेल होती है वो सबको अच्छी लगती है, लेकिन उस गंध में भी अगर व्यक्ति आसक्त होता है उससे भी कर्म का बंध होता है और अकाल में ही व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट है इसी से संबंधित है घ्राणेन्द्रिय, तो घ्राणेन्द्रिय है यानी जो स्मेल है हम कितने योजन तक सूंघ सकते हैं, कितनी योजन तक, तो भगवान महर्षि कहते गौतम 9 योजन तक, यानी 9 योजन दूर तक के जो भी सुगंधी या दुर्गंध, जो भी सुगंध या दुर्गंध जो भी है गंध अच्छी या बुरी स्मेल है उसको हम 9 योजन से आ रही है उसको हम सूंघ सकते हैं, यानी हमें पता चलता है कि है कितने दूर तक। किसी किसी के घर में सब्जी छोक होती है तो हम पता चल जाता है कि हाँ पड़ोसी के घर या अमुक के घर में सब्जी का छोंक लग रहा है क्योंकि उसकी गंध हमें आ जाती है, या कहीं सुगंध आती है वो भी आ जाती है, कभी कभी दुर्गंध होती है बदबू होती है, कहीं कचरा पड़ा होता है या कभी किसी की डेड बॉडी पड़ी होती वहां से भी स्मेल आने लग जाती है, तो पता चल जाता है अरे यहाँ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो बदबू आ रही है, या कहीं ना कहीं फ्लावर्स है या सुगंध आ रही है। तो 9 योजन तक हम दूर तक जो भी पदार्थ है यदि किसी का व्याघात नहीं होता है तो हम 9 योजन तक दूर तक हम सूंघ सकते हैं, ऐसा प्रज्ञापना सूत्र में कहा है कि हमारे नाक में इतनी शक्ति, आप देख रहे हैं नाक भी दे रखा है। अब रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय का विषय क्या है, रस है टेस्ट, तो टेस्ट है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा टेस्ट होता है गुड टेस्ट, एक बैड टेस्ट होता है। जो गुड टेस्ट होता है वो हमें अच्छा लगता है, जब खाने जब हम बैठते हैं तब अच्छी टेस्टी चीजें होती है वो हमारी जो जीभ है उसको अच्छी लगती है, और जब टेस्टी चीजें आती है तब व्यक्ति क्या है भूख से भी ज्यादा खाने की कोशिश करता है, और उसमें कभी कभी व्यक्ति आसक्त भी हो जाता है, आसक्त होता है वही उत्पत्ति भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा प्रसंग भी आता है किसी
का जीव जैसे राष्ट्र में होता है उसका जो चिवड़ा होता है खरबूजा, उसमें आसक्त होने से एक आचार्य थे, उनका संधारा चल रहा था, लेकिन जैसे ही जो खरबूजा होता है उसकी स्मेल आती है, जैसे सुगंध उनके नाक में जाती है, उनको लगा कहीं न कहीं ये खरबूजा की सुगंध आ रही है, उनकी आसक्ति उसमें हो जाती है और लास्ट टाइम उनके भाव उसमें रह जाते हैं। वो खरबूजा के अंदर क्या बन जाते हैं, लट बन जाते हैं, दो इंद्री जो आचार्य थे साधु थे, लेकिन खरबूजा के प्रति आसक्ति होने से उनकी गति बिगड़ जाती है। एक इंद्रिय में भी अगर हमारी आसक्ति होती है उससे भी गति बिगड़ जाती है। तो रस भी दो प्रकार का होता है, टेस्ट भी दो प्रकार का होता है, मनोज्ञ और अमनोज्ञ। जो मन को अच्छा लगता है वो मनोज्ञ, जो मन को अच्छा नहीं लगता है वो अमनोज्ञ। उत्तराधान सूत्र जो 32वां है उसमें भगवान महर्षि कहते हैं, तो मनोज्ञ रस में आसक्त कौन होता है, जो मत्स्य जो मछली होती है वो मनोज्ञ रस में आसक्त होती है, यानी वो मांस होता है। मछली को पकड़ने के लिए शिकारी लोग क्या करते हैं, हंटरमैन होते हैं, वो जो जाल होती है उसके चारों ओर क्या करते हैं, जाल में कांटे होते हैं लेकिन उसके साथ साथ मांस रख देते हैं, आटे के रूप में वो मांस को रख देते हैं, आटे के साथ मांस को रख देते हैं, वो मांस को खाने के लिए आटे को खाने के लिए आती है, वो उसके अंदर वो ऐसी कांटे के अंदर वो फंस जाती है, उस वो निकल नहीं पाती है मछली, और क्या होती है अचानक ही उसकी मृत्यु हो जाती है, अकाल में ही वो नाश को प्राप्त हो जाती है। कारण क्या है, क्योंकि वो मांस में आसक्त होने के कारण अचानक ही उनकी मृत्यु हो जाती है, अकाल में विनाश होता है। एकमात्र रस में आसक्त होने से भी व्यक्ति का अकाल में विनाश हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। और जो रसनेन्द्रिय वो भी हम नव योजन तक जो रस होते हैं उसको कहा गया, उसको हम टेस्ट ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं उसका कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है। स्पर्शनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय का विषय क्या है, स्पर्श है यानी टच, वो भी दो प्रकार का होता है, मनोज्ञ और अमनोज्ञ, यानी जो मन को पसंद है, जैसे एकदम सॉफ्ट जो स्पर्श होता है, जैसे मुलायम गद्दा होता है वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जो पत्थर होता है उसका जो स्पर्श होता है वो कठोर होता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो मनोज्ञ जो स्पर्श है उसमें आसक्त कौन होता है, उसमें आसक्त होता है भैंसा। 32 जो 32वां अध्याय है उत्तराध्यान सूत्र का, उसमें बताया है भैंसा है, जब पानी भैंसे को पानी बहुत अच्छा लगता है, जब सरोवर में जाता है तालाब में जाता है तो भैंसा क्या है, कई देर तक उसमें बैठा रहता है ठंडे ठंडे पानी में, उसका स्पर्श अच्छा लगता है, तो वो उस स्पर्श में आसक्त होने से भैंसे की भी क्या होती है, अकाल में मृत्यु हो जाती है, अकाल में ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। ये जो स्पर्शनेन्द्रिय है, स्पर्श है, वो भी क्या है, कितने प्रकार का है, 8 प्रकार का है। कौन कौन से 8 प्रकार है, सबसे पहला है शीत स्पर्श, दूसरा है उष्ण स्पर्श, तीसरा है स्निग्ध स्पर्श, चौथा है रुक्ष, पांचवा है कर्कश, छठा है मृदु, सातवां है स्पर्श गुरु, और आठवां स्पर्श है लघु। ये 8 स्पर्श है, 8 स्पर्श है, लेकिन जो प्रथम 4 है वो मूल के स्पर्श है, यानी ओरिजिनल स्पर्श 4 है, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, ये 4 ही है, बाकी कॉम्बिनेशन करने से कर्कश मृदु गुरु लघु ये बनते हैं। मूल में देखे तो 4 ही स्पर्श है, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष। ये जो 4 स्पर्श हैं वो कैसे होते हैं, भगवान महावीर से गौतम पूछते हैं, वो हल्के होते हैं भारी होते हैं क्या होते हैं, उसका वेट होता है या वेटलेस होता है। भगवान महावीर कहते हैं कि गौतम प्रथम जो 4 स्पर्श हैं ना वेट उसका कोई होता है ना लेस, मतलब वेटलेस भी नहीं होते वेट भी नहीं होता, यानी ना हल्का होता है ना भारी होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो कौन कौन से ऐसे जो हैं जिनका कोई भी वेट नहीं होता है या हेवी नहीं होता है, भगवान भाषण कहते हैं उच्छ्वास, यानी श्वास जो है श्वास लेते हैं उच्छ्वास यानी छोड़ते हैं, श्वास लेना छोड़ना, वो ना श्वास हल्का होता है ना भारी होता है, उसका कोई वजन नहीं होता है। जो कार्मण शरीर है हमारा, कार्मण शरीर कार्मिक जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसका कोई वेट भी नहीं होता है और वेटलेस भी नहीं होता है, ना हल्का होता है ना भारी होता है। जो मन है हमारा माइंड जो घूमता रहता है
तो मन का जो स्पर्श है वो न हल्का होता है न भारी होता है। भाषा वर्णना के जो पुद्गल हम बोलते रहते हैं वो भी न हल्के होते हैं न भारी होते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा जो मूल जो चार स्पर्श है शीत उष्ण रुक्ष स्निग्ध, ये चार स्पर्श है उस वो न हल्के होते न भारी होते हैं। अष्ट स्पर्शी यानी आठ आठ जो स्पर्श है वो क्या है, गुरु लघु होते हैं। तो उसमें कौन कौन से गुरु लघु, किस किस के होते हैं गुरु लघु, तो अष्ट स्पर्शी जो स्कंद होते हैं वो गुरु लघु होते हैं। यानी गुरु यानी भारी होता है, लघु यानी हल्का होता है। यानी एक तो वेट वाला होता है जिसका वेट ज्यादा होता है, लघु यानी जो वेटलेस होते हैं। तो कौन से होते हैं, जो पांच शरीर है, पांच शरीर में से कार्मण शरीर को छोड़ दो क्योंकि ऊपर ही बता दिया कार्मण शरीर के जो पुतकल है कार्मिक पार्टिकल से है वो हल्के भी नहीं होते भारी भी नहीं होते हैं, अगुर लघु होते हैं। और अष्टस्पर्शी स्पंद है उसमें कार्मण शरीर को छोड़ करके शेष चार शरीर के जो पुतकल स्कंद है वो क्या होते हैं, गुरु लघु होते हैं। यानी गुरु यानी हेवी होंगे या लघु यानी वेटलेस होंगे। तो अष्टस्पर्शी जो स्कंद है वो गुरु लघु होते हैं। ये पांच इंद्रियों के जो पांच विषय टोटल करेंगे तो 23 विषय हो जाएंगे। और उसके विकार यहाँ नहीं बताए लेकिन 240 विकार हो जाते हैं। पांच इंद्रियों के विषय तो 23 हैं, विकार है 240 हैं। तो एक एक इंद्रियों में आसक्त होने से भी व्यक्ति की क्या होती है, अकाल में ही मृत्यु हो जाती है। यदि हम पांचों इंद्र में आसक्त होंगे तो हमारी क्या गति होगी। तो 24 में भी जयाचार्य ने कहा है, इंद्रिय विषय विकारथी नरकादिक रुलियो जीवरे किंपाक फलनी उपमा रही दूर थी दूर सदीवरे। ये जो पांच इंद्रियों का जो विषय है वो कैसा है, पांच इंद्रियों में आसक्त होने के कारण व्यक्ति कहाँ कहाँ घूमता है, नरक तिरंज आदि जो गतियां हैं उसमें वो परिभ्रमण करता रहता है। कारण क्या है, पांच इंद्रियों के विषय जो है उसके प्रति हमारा अटैचमेंट आसक्ति, जितनी ज्यादा आसक्ति होती है उतने ही तीव्र कर्म का बंध होता है जिसके कारण व्यक्ति चार गति में परिभ्रमण करता रहता है। वो किंपाक फल के समान उसकी उपमा दी है, ये जो इंद्रियों के जो विषय विकार है वो कैसे किंपाक फल के समान है। किंपाक फल होता है वो दिखने में बहुत ही सुंदर होता है लेकिन जैसे ही उसको हम खाते हैं टेस्ट करते हैं उससे व्यक्ति का प्राणांत हो सकता है, व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। वो किंपाक फल इतना दिखने में सुंदर होता है लेकिन उसका रिजल्ट है वो सुंदर नहीं होता है। वैसे पांच इंद्रियों के जो विषय है वो हमें मन को अच्छे लगते हैं, जो मनोज्ञ होते हैं वो उसके प्रति यदि व्यक्ति आसक्त होता है उससे कर्म का निकाचित बंद करता है जिसके कारण व्यक्ति को कई जन्म तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमारी जो पांचों इंद्रियां है उसको हम कंट्रोल में कैसे करें। कहा गया जो कार है, कार हो और उसमें ब्रेक न हो वो कार कितनी खतरनाक हो सकती है। वैसे ही हाथी है, हाथी को यदि हमें वश में करना है तो हाथी को वश में करने के लिए क्या चाहिए, अंकुश चाहिए। कार को हमें अगर कंट्रोल में रखना है, कार को कंट्रोल में रखने के लिए ब्रेक चाहिए और हाथी को कंट्रोल में रखने के लिए क्या चाहिए, अंकुश चाहिए। और घोड़ा जो है, हॉर्स है, उसको यदि हमें वश में करना है उसके लिए लगाम चाहिए। उसको उसकी यदि लगाम हम हाथ में ले लेते हैं घोड़े की तो वो कंट्रोल में रहता है। वैसे ही हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं उनको यदि हमें कंट्रोल में रखना है उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें संयम की साधना करनी होगी। संयम की साधना का मतलब है स्वाध्याय करो, जप करो, तप करो, स्वाध्याय करो, ये सारे माध्यम है पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में करने का। क्योंकि हमारी इंद्रिय इतनी उच्छृंखल हो जाती है यदि हम उसको ढीला छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रिय तो आए दिन उनको अच्छे अच्छे विषय ही अच्छे लगते हैं लेकिन हमें क्या करना है, कंट्रोल में करना है। तो कल अक्षय तृतीया का पर्व हमने मनाया है तो उस उपलक्ष्य में हम वर्षितप प्रारंभ कर सकते हैं। तो वर्षितप भी क्या है, एक प्रकार का पांचों इंद्रियों को वश में रखने का बहुत अच्छा उपाय है। जिस व्यक्ति की पांचों इंद्रिय वश में होती है वही व्यक्ति वर्षितप की साधना कर सकता है। तो तपस्या वही कर सकता है जिसकी जिसका मन मनोबल होता है। मन यदि हमारा कच्चा होता है तो क्योंकि हम अनंत काल से खाते आ रहे हैं
इसलिए खाने के संस्कार हैं, छोड़ने के संस्कार नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये जो मनुष्य भोग मिला है उसमें हमें क्या करना, हमारी जो पांचों इंद्रिय है उसको हमें क्या करना, अपने कंट्रोल में रखना है। उसको कंट्रोल में रखने के लिए हम अनुपेक्षा करते रहे, स्वाध्याय करते रहे, तप करते, जप करते रहे, ये ऐसे माध्यम है जिनके माध्यम से पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं और हम अपना जो मनुष्य भाव मिला है उसको हम सार्थक कर सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।